हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज हम लोग बात कर रहे हैं 2021 एएसआरबी नेट एआरएस नेट लैंडस्केपिंग एंड फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उससे क्वेश्चन सारे और उसके जो है कि आंसर की के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। और आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब और हमारे इंस्टाग्राम पर भी, ओके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई एएफओ की जितनी भी वैकेंसी है उसके लिए हम अपने एक कोर्स प्राइस 899 को लॉन्च किए हैं, जिसमें आपको 50 प्लस टेस्ट सीरीज प्लस आपको जो है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स और सिलेबस प्लस आपके जो है कि क्वालिटी कंटेंट आपके प्रिंटेबल नोट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस आपको हम गाइडेंस देंगे इंटरव्यू के लिए भी। तो ज्वाइन करिए हमारे कोर्स प्राइस 899 को, हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को एक्सेस करिए, वहाँ से कोर्स को प्लस आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से, ओके। तो बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है ईयर फोल्ड इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन, तो ईयर फोल्ड आपका एंथ्यूरियम में पाया जाता है। नेक्स्ट है मूविंग हाइट ऑफ हाइब्रिड बरमुंडा ग्रास, तो ये कितना है, इनकी हाइट क्या होती है, ये है आपकी 0.5 से 0.7 इंचेस तक, ओके। नेक्स्ट है केमिकल यूज्ड इन इंक्रीजिंग सेल्फ लाइफ ऑफ पॉलीफिल्म, तो ये आपका NI यानी कि निकल ट्रेंच हो जाएंगे। नेक्स्ट है नॉट अ रूट स्टॉक ऑफ रोज का रूट स्टॉक नहीं है, तो रोजा गाइगेंटिया जो है इनका रूट स्टॉक ये नहीं है रोज के, ओके। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ गार्डन गेट इज नॉट, तो इनका जो है कि गार्डन का गेट जो है 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है कर्ली टिप इज अ डिसऑर्डर, तो ये कर्ली टिप किस में देखने को मिलता है, तो कर्ली टिप आपका कार्नेशन में देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे GH टेम्परेचर रिड्यूस, तो ये कब रिड्यूस होता है, वेन नियरर इंफ्रा रेड आर रिड्यूस, ओके। नेक्स्ट है वर्नलाइजेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, तो लिलियम में वर्नलाइजेशन प्रैक्टिस होता है और कोल्ड रीजन में भी ये मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कैंजेन इज यूज्ड इन, तो जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट में हम जो है कैंजेन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोज सेंट फ्रेगनेंस इन जेरिनियोल ऑयल, तो रोज फ्रेगनेंस जो है आपके जेरिनियोल ऑयल में क्या होते हैं, तो ये आपके रोडिनॉल होते हैं, ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रोडिनॉल। नेक्स्ट है लीफ प्रोनिंग फॉलोड मोर इन, तो ये एंथ्यूरियम में आपका लीफ प्रोनिंग मोस्टली देखा जाता है और एंथ्यूरियम में आपका ईयर फोल्ड डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे इमरॉल जेसिया ग्रास क्रॉस बिटवीन, तो इमरॉल जेसिया ग्रास का क्रॉस क्या क्या है, तो ये है आपका जैपोनिकम जेड मैट्रिला, दो आपका इसका क्रॉस होता है, ओके। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इन हेलीज एरिया, तो ग्रीन हाउस जो है आपके हिलीज एरिया में किस तरीके के होते हैं, तो ये आपके लीन टाइप के होते हैं जो कि मोस्टली सूट करते हैं हिली एरियाज़ के लिए, लीन टाइप, ओके। नेक्स्ट है हवाई फैंसी और हवाई स्टैंडर्ड आर ग्रेड ऑफ, तो ये आपके किस चीज़ के ग्रेड होते हैं, ये आपके स्टॉक के ये ग्रेड होते हैं आपके हवाई फैंसी और हवाई स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है जेविया इज़ अ कल्टीवार ऑफ, जेविया आपका एंथ्यूरियम का कल्टीवार है, एंथ्यूरियम में लीफ प्रोनिंग ज़्यादा की जाती है और आपका ईयर फोल्ड आपके एंथ्यूरियम का डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे मखाना का जो है आपका यहाँ पे साइंटिफिक नेम पूछा है, तो ये आपका ये हो जाएगा यूरियल फेरॉक्स, ओके। नेक्स्ट है लीफ कटिंग इज अ मेथड प्रोपोगेशन इन, तो ये आपके डहलिया में लीफ कटिंग प्रोपोगेशन मेथड होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट पोजीशन इन लूज फ्लावर में पहला पोजीशन किसका है, तो चाइना का है और चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यूज्ड इन ऑटो कैड फॉर प्लॉटिंग ड्राइंग, तो आपका जो है कि मॉडल स्पेस हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है लॉन फॉर टेम्परेट रीजन, तो ये होगा पोया प्रैटिनेंसिस, ओके। नेक्स्ट है फ्रेगनेंस ऑफ रोज बाई, तो जो है कि रोज़ में फ्रेगनेंस कैसे जो है आपके कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये आपके पॉलीजीन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं जो भी फ्रेगनेंस होते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे टिफ वे इज़ अ हाइब्रिड ऑफ, तो ये बरमुंडा ग्रास की हाइब्रिड होती हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड 50% एंड इंडियाज़ 90% केवड़ाज प्रोड्यूस इन, तो ये आपका उड़ीसा में प्रोड्यूस होता है, केवड़ा वाटर आपका यूज़ होता है, ठीक है, आपके बहुत सारे इसेंशियल्स जो फ्रेगनेंस होते हैं उसमें ये यूज़ किए जाते हैं, एरोमेटिक्स में ये यूज़ किए जाते हैं, ओके।
नेक्स्ट है वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लावर बुटीक प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम इन ईयर, तो ये आपका जो है कि 2006 में ये जो है कि दिया गया था इंटरनेशनल फ्लोरा एक्सपो में दिया गया था ये जो है हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट है कल्टीवार ऑफ लिलियम, लिलियम का कल्टीवार क्या होता है, तो आपके नेस विले आपका लिलियम का कल्टीवार था। नेक्स्ट है फर्स्ट स्कूल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इज, तो ये आपका जापान इकेनोबो में था ये आपका फ्लावर अरेंजमेंट का स्कूल। नेक्स्ट है स्कैनिया इज अ कल्टीवार ऑफ, स्कैनिया किसका कल्टीवार है, तो ये आपका कार्नेशन का कल्टीवार होता है, ठीक है, कार्नेशन का कल्टीवार ये है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे ये बात, वॉयलेट कलर पिगमेंट ऑफ ग्लैडियोलस, तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका मालवी डीन की वजह से ये आपका वॉयलेट कलर होता है ग्लैडियोलस में, ओके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ग्रीसी स्ट्रीक इन ट्यूबरोस, तो किसकी वजह से होते हैं, ये आपके नीमेटोड की वजह से होते हैं, ठीक है, ये नीमेटोड की वजह से आपका ग्रीसी स्ट्रीक देखने को मिलता है ट्यूबरोज में, ओके। नेक्स्ट है रूफ वेंटिलेशन इज मोर इफिशियंट व्हेन रूफ वेंट आर ओपन टूवर्ड्स, तो ये विंड वार्ड की साइड ये अगर खुले हैं तो आपका जो है ये आपके रूफ वेंटिलेशन अच्छे होंगे। नेक्स्ट है इन ऑटो कैड टू ड्रॉ अ लाइन एट अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर एंगल, तो इन्हें पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल सपोर्ट रन फ्रॉम राफ्टर टू राफ्टर, तो ये होता है पर्लिन, इन्हें क्या बोलते हैं, पर्लिन बोलते हैं। नेक्स्ट है फोलिएज ड्राइंग नीड, फोलिएज जो है किस में किया जाता है, तो ये आपका ग्लाइसरीन में किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ विंटर एनुअल, ये विंटर एनुअल नहीं है, कौन सा, तो ये बालसम हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है नॉट अ गुड श्रब्स, गुड श्रब्स कौन से नहीं होते हैं, तो ट्यूबरेज आपके गुड श्रब्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अलाइंड डायमेंशन इन ऑटो कैड इज यूज फॉर मेजरिंग, तो जो अलाइंड डायमेंशन होते हैं वो आपके हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे ऑटो कैड से प्लस आपके कार्नेशन से और आपके एंथ्यूरियम से यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है, ऑटो कैड्स के तो आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है कैसिया फिस्टूला बियर फ्लावर इन, तो कैसिया फिस्टूला आपके जो है कि समर्स में फ्लावर को बियर करते हैं, मतलब गर्मियों में। नेक्स्ट है एस्ट्रियोमेरिया प्रोपोगेटेड बाई, तो ये आपके राइजोम्स के द्वारा प्रोपोगेट किए जाते हैं और ये आपके जो प्ले ग्राउंड्स होते हैं, जो क्रिकेट की फील्ड होती है वहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। नॉट अ सिम्पोडियल ऑर्किड्स, वेंडा जो है आपकी सिम्पोडियल ऑर्किड्स नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वेंडा। नेक्स्ट है सरफेस मटेरियल फॉर एस्ट्रोटर्फ, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके पॉलीप्रोपाइलीन होते हैं, करेक्ट ऑप्शन पॉलीप्रोपाइलीन हो जाएगा। नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस ऑफ बॉग, बॉग क्या है, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इनके जो फ्लावर है बहुत खूबसूरत होते हैं, प्लीज़ इसे सर्च करके देखिएगा, एकदम आपके बर्ड्स की तरह ये दिखते हैं इनके फ्लावर, और इनका जो स्पाइक और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइक होता है, ठीक है, स्पाइक होता है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग लैंडस्केप डिज़ाइनिंग, तो लैंडस्केप डिज़ाइन को क्या अफेक्ट करता है, तो हारमोनी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है थ्री टेरेस लेआउट इन मुगल गार्डन, तो ये किसके द्वारा होता है, ये मुगल गार्डन क्या था, वो कौन सा गार्डन है, तो वो आपका ये है चश्मे शाही गार्डन है ये, जिसमें थ्री टेरेस लेआउट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्पाइन कुशन ऑफ कैक्टस, जो स्पाइन के पास कुशन होते हैं कैक्टस में, उन्हें क्या बोला जाता है, तो आपका एरियोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है राइजोम स्टोरेज टेम्परेचर इन लोटस, लोटस के राइजोम्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके वाइबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कितना टेम्परेचर में उनको स्टोर करना चाहिए, उनको जो है कि 5 to 8 डिग्री सेल्सियस पे कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट है डिवास्टेटिंग बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ रोज, क्राउन गॉल जो है आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ आपकी यहाँ पे रोज़ की है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्राउन गॉल था। नेक्स्ट है सेंटेड लूज फ्लावर कौन से होते हैं, ये हैं आपके टिकोमा। नेक्स्ट है प्रोफाइल एंड स्प्रिंग इन ग्रीन हाउस, तो ये आपके टू सिक्योर पॉलीथीन, ठीक है। नेक्स्ट है
सीरीज ऑफ लाइन इन ऑटो कैड ड्राइंग, तो ये इन्हें क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ लाइन इन ऑटो कैड ड्राइंग, इन्हें बोलते हैं क्रॉसिंग पॉलीगन. नॉट अ सुटेबल टर्फ ड्रेनेज मैनेजमेंट, तो प्लेन सिस्टम में आपका टर्फ मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम का कोई ऐसा वो नहीं होता है, सुटेबल नहीं होता है. नेक्स्ट है इसेंशियल ऑयल मस्ट बी स्टोर्ड इन, तो जो भी इसेंशियल ऑयल होते हैं जितने भी, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, कलर्ड, ठीक है, यानी कि रंगीन ग्लास में उन्हें स्टोर करना चाहिए. ओके नेक्स्ट है नॉट अ फीचर ऑफ इटालियन गार्डन, इटालियन गार्डन का जो है फीचर नहीं है, तो ये आपका पगोड़ा आपका जो है कि इटालियन गार्डन का फीचर नहीं होता है. नेक्स्ट है यूज्ड टू ब्रेक डोरमेंसी इन बल्बिलिशियस कट फ्लावर, तो GA3 यूज़ करते हैं. ओके नेक्स्ट है नेचुरल म्यूटेंट ऑफ बर्गनविलिया, बर्गनविलिया का नेचुरल म्यूटेंट क्या है, तो ये आपका मैरी पाल्मर, ये आपके करेक्ट ऑप्शन में थे. नेक्स्ट हो जाएगा अर्का कनक इज अ वैरायटी ऑफ, तो अर्का कनक जो है आपके क्रोसेंड्रा की वैरायटी है, क्रोसेंड्रा आपके जो है कि गजरा के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, और गजरा बनाने के लिए एक स्पेशल तरीका जो होता है उसे वेनी बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है ट्रांसफरिंग यंग सीडलिंग फ्रॉम वन ट्रे टू अनदर नोन एज, एक यंग यानी कि जो आपके प्रोट्रे से आपके सीडलिंग्स को ट्रांसफर, उन्हें हम लोग प्रिकलिंग कहते हैं. ओके क्या कहते हैं, प्रिकलिंग कहलाता है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्रिकलिंग. नेक्स्ट है यूज्ड इन हेयर एडॉर्नमेंट, वेनी, वेनी वेनी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्लावर का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है वेनी जिन्हें बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वेनी जो है फ्लावर का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो आपके बालों के लिए सजाया जाता है, ठीक है, स्पेशली, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के जो है ये बने होते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम वेनी बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है गार्डन इन स्वैम्पी लैंड, तो क्या बोलते हैं उन्हें, उन्हें हम लोग बॉग गार्डन भी बोलते हैं, ठीक है, बॉग गार्डन. नेक्स्ट है बेटालिन पिगमेंट फाउंड इन, तो बेटालिन पिगमेंट आपका बोर्गनविलिया में मिलता है, मैरी पाल्मर जो है बोर्गनविलिया का एक कल्टीवार है. नेक्स्ट बात करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू एस्टेरिएसी, तो बैचलर्स बटन आपके एस्टेरिएसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं. नेक्स्ट है नेटिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, तो नेटिंग कहाँ हम करते हैं, आपके कार्नेशन में करते हैं. ओके नेक्स्ट है ऑस्मुंडा मीडिया, ये ऑस्मुंडा मीडिया किसके लिए है, किससे रिलेटेड है, तो ये आपका ऑर्किड से रिलेटेड है, ठीक है. नेक्स्ट है इन वेस्ट बंगाल नेकलेस एंड ब्रेसलेट प्रिपेयर्ड इन फ्लावर, तो किस फ्लावर से जो है कि नेकलेट एंड ब्रेसलेट बनता है, ये आपके लोटस फ्लावर्स में बनता है. ओके नेक्स्ट है अर्का गोल्ड इज़ अ वैरायटी ऑफ, तो अर्का गोल्ड आपकी ग्लैडियोलस की वैरायटी है, ठीक है, और ग्लैडियोलस जो है आपका क्वीन ऑफ बल्बिलिशियस फ्लावर्स होते हैं. नेक्स्ट है क्रोमोजोम नंबर इन डायंथस टेनेंसिस, तो ये आपके 60 क्रोमोजोम नंबर होते हैं और ये होते हैं आपके टेट्राप्लॉइड. ओके 4x ये जो होते हैं. नेक्स्ट है लार्जेस्ट फ्लावर ऑक्शन, लार्जेस्ट फ्लावर ऑक्शन कहाँ लगता है, तो ये आपके नीदरलैंड में लगते हैं, ठीक है, ये आपके नीदरलैंड में लगते हैं. नेक्स्ट है बायो एस्थेटिक प्लानिंग प्रोफेसर, तो बायो एस्थेटिक प्लानिंग के प्रोफेसर कौन थे, तो ये थे आपके डॉक्टर लैंस लॉट हॉगबेन जो है बायो एस्थेटिक प्लानिंग के प्रोफेसर हैं, ठीक है. नेक्स्ट है मोहिनी रोज फ्लावर कलर, जो मोहिनी रोज फ्लावर कलर है इनका जो है कलर कैसा होता है, ये आपके चॉकलेट ब्राउन कलर के होते हैं. ओके नेक्स्ट है ल्यूटीन रिच फ्लावर, ल्यूटीन किस फ्लावर में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो ये आपके मैरीगोल्ड में मिलता है. ओके नेक्स्ट है लोटस प्रोपोगेटेड बाई, लोटस किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, ये आपके राइजोम्स के द्वारा प्रोपोगेट करते हैं. ओके नेक्स्ट है हिबिस्कस प्रोपोगेटेड बाई, हिबिस्कस किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, ये आपके प्रोपोगेट किया जाता है आपके सेमी हार्डवुड कटिंग से भी कर सकते हैं और हार्डवुड कटिंग से भी आप हिबिस्कस को लगा सकते हैं, दोनों आपके यहाँ पे यूज होते हैं. नेक्स्ट है ट्री एसोसिएटेड विथ सीता इन रामायण, तो रामायण में आपके लिए कौन सा जो प्लांट है, तो ये आपका सरिका इंडिका आपके रिलेटेड प्लांट हो जाएंगे. नेक्स्ट है ट्री एसोसिएटेड विथ डेथ एंड इटर्निटी, तो ये आपके साइप्रस हो जाएंगे. नेक्स्ट है फुली मैच्योर फ्लावर बर्ड हार्वेस्ट, नेक्स्ट है ये आपका जैस्मिन, करेक्ट ऑप्शन इसका जैस्मिन हो जाएगा. नेक्स्ट बात करेंगे फायर क्रैकर फ्लावर, तो फायर क्रैकर फ्लावर क्या होते हैं, ये क्रोसेंड्रा होते हैं, क्रोसेंड्रा यूज़ करते हैं हम कहाँ, गजरा बनाने के लिए. ओके नेक्स्ट है ग्रीक वर्ड गोल्ड एंड फ्लावर एसोसिएटेड विथ, तो आपके ग्रीक वर्ड जो हैं गोल्ड और फ्लावर,
ये आपके किस से रिलेटेड है, किस फ्लावर से, ये आपके क्राइसेंथेमम से रिलेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट है फैमिली ऑफ नेरियम। नेरियम की फैमिली क्या है, तो ये आपकी एपोसाइनेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन था एपोसाइनेसीस। नेक्स्ट है मैंडेलास गोल्ड इज़ अ वैरायटी ऑफ, तो मैंडेलास गोल्ड आपकी किसकी वैरायटी है, तो ये आपकी बॉब की वैरायटी है, यानी कि बर्ड ऑफ पैराडाइज जो फ्लावर होते हैं उनकी ये वैरायटी है। नेक्स्ट बात करेंगे फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, तो ये आपके हैबर्ट लैंड हो जाएंगे। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर जो कौन है, हैबर्ट लैंड। ओके, नेक्स्ट है फ्रूट ऑफ रोज़, तो जो फ्रूट के होते हैं रोज़ के उन्हें हिप्स बोलते हैं, और हिप्स जो है आपके रिच होते हैं विटामिन सी में, ये रिच होते हैं, ठीक है, इनमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है आपके हिप्स में। नेक्स्ट बात करेंगे प्री हार्वेस्ट स्प्रे विथ रिड्यूस सेंसनेंस, जो आपका रिड्यूस करता है आपका सेंसनेंस को, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल एनालिन एडनिन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ओरिएंटल टाइप फ्लावर, ओरिएंटल टाइप जो फ्लावर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये आपके लिलियम होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑयल एक्सट्रैक्टेड, तो ये ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये आपका होता है पेंडानस। ओके, ये होते हैं आपके पेंडानस, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरेबल गिफ्ट ऑफ ब्रिटिशर टू लैंडस्केप, लैंडस्केप के लिए ब्रिटिशर का एक गिफ्ट क्या है, सो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा आपका लॉन, ठीक है। नेक्स्ट है बाईकलर एंथ्यूरियम, देखिए अगेन एंथ्यूरियम से क्वेश्चन था, बाईकलर एंथ्यूरियम के किस टाइप के होते हैं, ये ओबेक टाइप के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सीड सेटिंग इज सीन इन विच ट्यूबरोज, तो किस ट्यूबरोज में सीड सेटिंग देखने को मिलता है, तो सिंगल टाइप के जो भी आपके ट्यूबरोज होते हैं उनमें सीड सेटिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ट्रांसवॉल डेजी किसे कहते हैं, तो जर्बेला फ्लावर को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवॉल डेजी। नेक्स्ट है येलो जैस्मिन, येलो जैस्मिन को क्या बोलते हैं, तो ये है आपका जैस्मिनम ह्यूमाइल, ठीक है, जैस्मिन ह्यूमिल आपका येलो जैस्मिन को बोलते हैं। नेक्स्ट है जैस्मिन संगोई प्रोपोगेशन, जो जैस्मिन संगोई है उनका प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है, इनका प्रोपोगेशन सेम ही हार्डवुड कटिंग से किया जाता है। नेक्स्ट है टॉप कट फ्लावर, जो कौन से फ्लावर है जिनको टॉप कट किया जाता है, तो ये आपका रोज़ हो जाएंगे। ओके, करेक्ट ऑप्शन के लिए रोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉयल स्टरलाइजेशन डन बाई, तो सॉयल स्टरलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो आपका फ्यूमिगेशन एंड सोलराइजेशन दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लो नाइट्रोजन एंड लो टेम्परेचर इनकार्नेशन क्या कॉज करते हैं, तो आपके कर्ली टिप कॉज करते हैं आपके कार्नेशन में, अगर आपका नाइट्रोजन भी कम है प्लस आपका टेम्परेचर भी लो है, तो ये आपके जो है कि कर्ली टिप आपके कार्नेशन में देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है ट्री यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में कैसे ट्री यूज़ किए जाते हैं, तो एवरग्रीन टाइप के ट्री यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है गर्ट्रूड जेकिल, ये क्या है, कॉटेज हैं, ठीक है, कॉटेज गार्डन्स होते हैं ये। नेक्स्ट है बैचलर्स बटन, ये क्या है, ये आपके गैम्फ्रेना है। नेक्स्ट बात करेंगे नॉट प्रोपोगेटेड बाई सीड, क्या जो है सीड के द्वारा प्रोपोगेट नहीं किए जाते हैं, तो क्राइसेंथेमम आपके सीड के द्वारा प्रोपोगेट नहीं किए जाते हैं। ओके, नॉट अ नेचुरल लैंडस्केप, तो नेचुरल लैंडस्केप क्या नहीं होते हैं, तो आपके पॉन्ड जो हैं आपके नेचुरल लैंडस्केप नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एपिफाइटोटिक ऑर्किड्स, तो एपिफाइटोटिक ऑर्किड्स कौन से होते हैं, ये आपके डेंड्रोबियम हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिम्पोडियल ऑर्किड्स क्या होते हैं, तो ये भी आपके डेंड्रोबियम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है टू ओवरकम जियोट्रॉपिक, यहाँ पे आपका जियोट्रॉपिज्म होगा, ठीक है, टू ओवरकम जियोट्रॉपिज्म बेंडिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो फ्लावर शुड बी प्लेस्ड, तो ये किस तरीके से वर्टिकली प्लेस्ड करना चाहिए, ठीक है, खड़ा रखना चाहिए, वर्टिकली मतलब ऐसे रखना चाहिए। नेक्स्ट है मैरीगोल्ड ऑयल एक्सट्रैक्शन, तो मैरीगोल्ड किस मैरीगोल्ड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये आपका टैगिस माइनिटा से, ठीक है। नेक्स्ट है
कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल बाग स्टार्टेड बाई, तो लाल बाग का कंस्ट्रक्शन कहाँ कौन स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किए थे हैदर अली और कंप्लीट कराया गया था आपके टीपू सुल्तान द्वारा। नेक्स्ट है स्लिपिनेस फाउंड इन, स्लिपिनेस कहाँ देखने को मिलता है, तो कार्नेशन में आपको स्लिपिनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ड्रूपिंग ब्रांचेस, ड्रूपिंग ब्रांचेस किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ये आपके बॉटल ब्रश ट्री के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके नेक्स्ट है एक्सपोर्टर ऑफ ऑर्किड्स, ऑर्किड्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, तो थाईलैंड जो है आपके ऑर्किड्स के लार्जर एक्सपोर्टर हैं। नेक्स्ट है पंखुड़ी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, पंखुड़ी कहाँ से बनाई जाती है, तो ये आपके रोज़ से बनाई जाती है। इसी तरीके से पूछता है कि गुलकंद, ठीक है, गुलकंद में आपका पेटल और शुगर, शुगर का आपका रेशियो पूछता है, तो ये 1:1 होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मॉथ ऑर्किड्स साइंटिफिक नेम, तो मॉथ ऑर्किड्स का साइंटिफिक नेम क्या है, ये है आपका फैलियोनोप्सिस स्पीसीज, ठीक है, फैलियोनोप्सिस स्पीसीज आपका साइंटिफिक नेम हो जाएगा मॉथ ऑर्किड्स का। नेक्स्ट है ट्री जैस्मिन, तो ट्री जैस्मिन का साइंटिफिक नेम क्या है, यह है आपका मेलिंगटोनिया हॉर्टेंसिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट ये रही आपकी पूरी की पूरी आपकी वीडियो सीरीज़, वीडियो सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइए, और आप डाउनलोड करिए हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और आप वहाँ से हमारे सारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं, प्लस साथ ही साथ आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट की टेस्ट सीरीज़ भी आप बहुत सारी वहाँ पर ले सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पे, और आपको जो है हमारे सोशल मीडिया पे, अदर सोशल मीडिया पे भी जुड़ना है, जैसे कि आपके यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे आपको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, प्लस आप हमें बताइए कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और प्लीज़ अपने पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।